विक्की लालवानी के साथ गाली गलौज वाले मामले में कपिल शर्मा काफी चर्चा में थे। इस मामले में बयानबाजियों का भी काफी बड़ा दौर चला था। कभी कपिल कुछ कहते तो कभी प्रीति सिमोस कुछ कहती। फिर कॉमेडी फ्रेटर्निटी से कपिल के कई दोस्तों ने उनके बारे में अलग अलग बयान दिए। और इसी बीच कपिल का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा भी ऑफ एयर हो गया। लेकिन अचानक उसके बाद से ही कपिल शर्मा कहीं गायब हो गए। लेकिन अब कपिल शर्मा के बारे में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर ये है कि कपिल शर्मा एक रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। खबरों की माने तो कपिल मुंबई से बाहर किसी रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं सामने आई है। लेकिन जब इस खबर को लेकर कपिल की टीम से पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो उनका कहना है कि नहीं, कपिल छुट्टियों के लिए बाहर गए हैं, कपिल किसी रिहैब सेंटर में नहीं है। लेकिन कपिल का अचानक यूं गायब हो जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अगर कपिल छुट्टियां ही मना रहे हैं तो अभी तक उन्होंने अपने वेकेशन की कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर क्यों नहीं की। ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपने वेकेशन या ट्रिप की पिक्चर शेयर करते रहते हैं, लेकिन कपिल ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं कपिल की मानसिक हालत और उनके शराब के नशे में हुए कई किस्से तो लगातार सामने आते रहे हैं। जहां पिछले साल कपिल ने शराब के नशे में सुनील ग्रोवर के साथ खूब गाली गलौज की, और उसके बाद भी ऐसे कई मामले सामने आए। और तो और नीति सिमोस ने भी ट्विटर पर अपनी सफाई देते हुए कपिल की खराब मानसिक हालत और उनके नशे की आदत का जिक्र किया था। वहीं पिछले साल कपिल भी बैंगलोर गए थे अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, और अब इस रिहैब वाली बात से कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि कपिल को शराब और नशे ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि अब डिस्टर्ब कपिल वाकई अपने डूबते करियर को बचाने के लिए और खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए किसी रिहैब में अपना इलाज करा रहे हैं, या फिर वो वाकई में मुंबई से दूर छुट्टियां मना रहे हैं। पहले इस बात का खुलासा शायद कपिल की वापसी के बाद ही हो पाएगा।